कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए, आज आपका इंग्लिश का क्लास फिर से शुरू हो गया है और अब रेगुलर क्लास आपका होगा। और आप मुझे मैथ पढ़ने के लिए अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर विपिन कुमार के नाम से आप जाइए, वहाँ पर फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सारे लेसन वहाँ बना रखा है और आप वहां पर जाके पूरा गणित को अच्छा से सीख सकते हैं। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर पूरा आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप अनअकैडमी पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे इंग्लिश का क्लास शुरू कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती पे, और मैं हूँ इश्तियाज आलम। फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा, जो बीच में गैप हुआ है, मेरा हेल्थ सही नहीं था इसके लिए, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगा, ठीक है, और आज से आपका रेगुलर चलेगा। देखेंगे यहाँ से मैं, और जो न्यू जो व्यूअर होंगे, जो देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको वीडियो जो आएगा आपको अब कंटिन्यू वो आपको मिलता रहे, ठीक है। और जो पहले मेरा वीडियो जो बना हुआ है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आ जाएगा सब वीडियो मेरा प्रोनाउन का, ठीक है। प्रोनाउन का मैंने काइंड्स बता दिया था और उसमें पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सब मैंने पढ़ा दिया था। बचा था आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ, आपका जो प्रोनाउन बचा था रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आज बताना है आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान देंगे आप लोग, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव जो प्रोनाउन जो आपका है ये रिलेशन को शो करेगा, रिलेट करेगा, अगले से रिलेट करता है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका हु, हुम और हुज है। क्या क्या है? हाँ, हु, हुम और हुज है, क्लियर। अच्छा एक मिनट, यहां देखेंगे तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आपका हु है, हुम है और हुज है। आपका जो है इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन है आपका क्या है? हु है, हुम है और हुज है। तो यही तीनों इसमें भी है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी है, हु है, हुम है और हुज है। तो हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि कहां पे आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन है और कहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कहां पे हुज रिलेटिव प्रोनाउन है और कहां पे हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता चलेगा? जब सेम सेम जब वर्ड रहेगा, ध्यान देंगे यहां पे, अगर हु और हुम और हुज अगर ये मिडिल में आएगा, सेंटेंस के मिडिल में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा, इसके मिडिल में आएगा, तो वहां पर ये आपका हु, हुम और हुज रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हाँ, मिडिल में आएगा, सेंटेंस के मिडिल में आएगा, सेंटेंस के मिडिल में आएगा, तो वहां पर ये कौन सा प्रोनाउन होगा? हाँ, वहां पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ध्यान देंगे, आप ही बताइए, यहां पे आई हैव अ ब्रदर हु वर्क्स हार्ड, है ना, मेरे पास एक भाई है जो कि कड़ी मेहनत करता है। आप बताइए यहां पे हु क्या है? मिडिल में है ना जी। हाँ, हु आपका मिडिल में है, तो आप जान सकते हैं कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेशन बता रहा है इसमें और इसमें क्या करना चाह रहा है, ठीक है, और मिडिल में आया है, क्लियर। आई हैव अ ब्रदर हुम आई लव वेरी मच,
आई हैव अ ब्रदर हुम आई लव वेरी मच, यहां भी हुम कहां है, मिडिल में है, तो ये कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन। आई हैव अ ब्रदर हुज नोज इज फ्लैट, आई हैव अ ब्रदर हुज नोज इज फ्लैट, है ना, तो यहां कौन सा प्रोनाउन, यहां पे भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान देंगे। तो एक के डिफरेंस पता चला हम लोगों को कि ये वाला मिडिल में आएगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है मिडिल में आएगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपका हु और हुम और हुज स्टार्टिंग में आएगा। हाँ, कहां आएगा जी, स्टार्टिंग में आएगा आपका हुम हुज और हुम, ये कहां आएगा, स्टार्टिंग में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, स्टार्टिंग में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप देख सकते हो, आप देखिए यहां पे हु स्टार्टिंग में है, हाँ स्टार्टिंग में यहां पे हु है, क्लियर, आगे देखेंगे, और यहां पे हुम कहां है, ये भी स्टार्टिंग में है, और यहां भी हुज स्टार्टिंग में है। चलिए, एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने पता किया कि इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव में मिडिल में आएगा और इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में आएगा, मैंने देख भी लिया। आगे देखा जाए अगला, फुल स्टॉप। देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में अगर ये सब आएंगे हु हुम और हुज, तो इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्या लगेगा, हाँ फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। देख सकते हैं हम लोग, यहां फुल स्टॉप है, यहां भी फुल स्टॉप है, और यहां भी फुल स्टॉप है, हाँ सही है, लेकिन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा जी, हाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए यहां हु इज ही, क्वेश्चन मार्क है, हाँ है, अच्छा हुम डू यू लव, क्वेश्चन मार्क है, हाँ है, और हुज ब्रदर इज अ डांसर, क्वेश्चन मार्क है, हाँ है, ठीक है, तो हु इज ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ही इज माई ब्रदर, आंसर मिलेगा, है ना, Whom do you love? I love my brother. ये मैंने answer दिया. Whose brother is a dancer? है ना? किसका भाई dancer है? तो मैंने बोला Ram's brother is a dancer. Ram का भाई dancer है. तो यहां हम देख रहे हैं कि इसके last में question mark आ रहा है. ठीक है? चलिए दो difference मैंने जान लिया. एक तो ये starting में आएगा, उसमें middle में आएगा. इसमें question mark, उसमें full stop. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. आगे भी कुछ है आपके लिए. देखेंगे. और तीसरा जो डिफरेंस आपका है, देखेंगे तीसरा डिफरेंस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में इसका जो हु है, हुम है, हुज है, इसका हिंदी लेटर ज से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें हिंदी लेटर ज से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, आई हैव अ ब्रदर हु वर्क्स हार्ड, मेरे पास एक भाई है जो कि कड़ी मेहनत करता है, जो जस आया ना उसका मीनिंग, आगे भी देखते हैं, आई हैव अ ब्रदर हुम आई लव वेरी मच, मेरे पास एक भाई है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, जैसे आया ना, आगे देखते हैं, आई हैव अ ब्रदर हुज नोज इज फ्लैट, मेरा एक भाई है जिसका नाक, जैसे आया ना, ठीक है, तो हम लोग सीख गए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपका हु, हुम और हुज, इसका मीनिंग कैसा आता है, ज से आता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग कैसे आएगा, हाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग हिंदी लेटर क से आएगा, ऑप्शन चेक में कर लेते हैं, देखेंगे हु इज ही,
वह कौन है, वह कौन है? कोई हो भाई, हमको क्या मतलब है, क से है ना, क से है ना, हाँ सही है, क से है। आगे देखते हैं, whom do you love, तुम किसको प्यार करते हो, क से, क से, क से आया है ना। आगे देखा जाए, अगला है, whose brother is a dancer, किसका भाई डांसर है, कौसे, हाँ किसका भाई डांसर है। तो हम लोग आज देखे हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें है ना, देखेंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग आज, पहले पता नहीं था कि हम लोग को हु, हुज और हुम, यही तीनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। तो कब कौन क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, आज हम लोग सीख लिए हैं, कब आएगा तो ये रिलेटिव होगा और कब आएगा तो इंट्रोगेटिव होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इधर, आज आपका एक काइंड्स और बच गया है। इससे पहले के वीडियो में मैं पढ़ा चुका था, मैं पर्सनल पोजेसिव डेमोनस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव सब कंप्लीट कर दिया था, आप देख लीजिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज आपका एक और बच गया है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे इधर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखेंगे सॉरी इनडेफिनिट प्रोनाउन, हाँ जी देखेंगे इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं होगा वो इनडेफिनिट, नाम से ही क्लियर है, ये इनडेफिनिट बोल रहा है, इट मीन्स क्या, ये डेफिनिट नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपका इनडेफिनिट जो प्रोनाउन है आपका सम, ऑल, मोस्ट, ठीक है, एटीसी, ये सब कौन सा प्रोनाउन है आपका, ये सब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। इससे पता नहीं चलता है कि कितना बोलना चाह रहे हो आप, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि कुछ बच्चे आए हुए हैं तो कुछ कितना, मैंने बोला कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ कितना पता है, नहीं कितना भी हो सकता है ना, तो डेफिनिट कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। आगे देखेंगे ऑल, सभी लड़के आए हुए हैं, सभी कितना, सभी कितना को बोल रहे हैं आप, 100 को, 200 को, 20 को, पता नहीं चला, तो ये भी कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मोस्ट, अधिकतर लड़के आए हुए हैं, अधिकतर में कितना, 500, कितना पता चल रहा है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, क्लियर, नाम से क्लियर है इसका। आगे देखा जाए, देखिए अगर ये सब प्रोनाउन के बाद, अगर ये सब प्रोनाउन के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा, हाँ ध्यान देंगे, ये आपका सम, एनी, मोस्ट, अगर इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, कैसा फॉर्म में होगा, हाँ इसके बाद अगर, इतना के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। और इतना के बाद, और इतना के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल, यूसीएन, यूसीएन मींस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यूसीएन, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वो कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यूसीएन, है ना। तो अगर यूसीएन, हाँ देखा जाए, अगर इतना के बाद अगर यूसीएन आएगा तो वो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, कैसा वर्ब लेगा, वो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, हाँ। इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर काउंटेबल नाउन के बाद आएगा तो वो नाउन आपका कौन सा फॉर्म में होगा, प्लूरल नाउन होगा, इसको आप पीसीएन भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, PCN, PCN इसका आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, हाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और UCN अगर आएगा इतना के बाद, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, एग्जांपल से समझ लेते हैं, देखिए
सम ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट हियर सम ऑफ वाटर इज वेस्टेड ठीक है। देखिए आप बताइए सम के बाद ये नाउन कैसा है, ये नाउन काउंटेबल में प्रिसीन है बॉयज, सम के बाद ये आपका बॉयज जो नाउन है ये काउंटेबल है ना, और प्रिसीन है प्लूरल फॉर्म में है, तो कैसा मैंने वर्ब लगाया, प्लूरल वर्ब आर लगाया ना, हाँ तो सही है। उसके बाद नीचे आइए सम ऑफ वाटर, ये वाटर क्या है यूसीएन है, वाटर क्या है यूसीएन है, अनकाउंटेबल है, कैसा है अनकाउंटेबल है यूसीएन है, तो इसके बाद कैसा वर्ब होगा, कैसा वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब होगा, इज लगाया मैंने सिंगुलर वर्ब ठीक है। तो ये रहा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन ठीक है, प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ। इससे पहले मैं काइंड्स है ना उसका एक पर एक ट्रिक, प्रोनाउन को कैसे याद करेंगे उसका ट्रिक क्या है, 10 काइंड्स प्रोनाउन का है कैसे पहचानेंगे सब मैंने बता दिया था है ना, मैंने एक ट्रिक बताया था कि प्राइड, एक वर्ड मैंने बताया था प्राइड PRIDE हाँ ऐसे बताया था मैंने, देखिए PRIDE प्राइड है ना, ये फॉर्मूला पे मैंने पूरा सेट किया था आपका, पी से कितना काइंड्स होता है, तो पी से काइंड्स होता है आपका 2, R से 3, I से 2, D से 2 और E से 1, इससे पूरा काइंड्स मैंने याद करवा दिया था। देखिएगा मेरा पुराना वाला वीडियो पहले का है ना, और अब आपका वीडियो मैं लगातार बनाऊंगा ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मैं कुछ सीखा ठीक है। और अब आपका वीडियो मैं लगातार बनाऊंगा, हर टॉपिक बनाऊंगा, और ये सब आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश में सब में वो आते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे सब में या ऐसे भी, ये पूरे चीज़ के लिए है ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा से आप लोग देखेंगे वीडियो को और समझेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे, अब मैं रेगुलर आऊँगा ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।